बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई ऐसी लोकेशन पे आ गया। वैसे ना मैं मुझे पता था ये होएगा सीन, इसलिए मैं भाई घर के पीछे अपने जितने खेत है इनमें इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आया था और भाई कांड हो गया। फाइनली भाई बाटा पे पहुंच चुके हैं और अपना जो हेड है ना इसको उतार लेते हैं और कराते हैं इसकी जल्दी चूड़ी सेट है ना भाई। हेड है ना जो अपना वो हो चुका सेट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली अपनी जो बुलेट है वो तुमने भाई देखी होगी कल के व्लॉग में, कंप्लीट हो चुकी है ना, कर दी ना तुम्हारे भाई ने कंप्लीट। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी अपने बुलेट में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आई, बताऊँ क्या? बट उससे पहले वो बाबा बुलेट बढ़िया लग रही है ना अपनी, अब फोकस सही लग रही बाबा। बुलेट बुलेट में मैंने पैसा फूक दिया 1.5 लाख, अब भी सही लगाएंगे। चलो बाबा अभी आके बुलेट में ना अपनी बुलेट की बैटरी डाउन होगी अभी है ना, तो उसको मैं चार्ज करूँगा आज। पता कैसे? एक तो मैं बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊँगा भाई, आप कैसे भाई बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊँगा आज। तो मैं अपने बाइक की या गाड़ी की है ना, बाइक गाड़ी की कोई सी भी हो बैटरी चार्ज करने की, ठीक है? तो गाइस अपने बुलेट की बैटरी ये रही और अपने साथ में भाई इन्वर्टर डबल बैटरी और सिंगल बैटरी भी भाई चल जाएगा। इसका देखो क्या हो रहा भाई, ये कार्बन है, देखो ये साफ कर लेना चाहिए, मैं भी करता रहता हूँ अपने घर की बैटरी होगा। अभी ये फिर से होगी गर्म पानी से, बिल्कुल उबलता जो पानी होता है ना उसको इस पे डाल दो एकदम बिल्कुल क्लीन बिल्कुल। बट अभी इसको नहीं करूंगा, पहले करूंगा बैटरी चार्ज और पहले छोड़ दूंगा बैटरी चार्जिंग पे और अपनी जो बुलेट है ना भाई उसके बाद सीट बनवा के लेके आनी मेरे को। पहले तो मैं दिखा देता हूँ, अभी इसमें सीट डल रही है 26 की, जो पहले डल रही थी ना अपनी वो वाली सीट डल रही है और सीट इसमें वो डालेंगे छोटी वाली है ना पतली वाली। ये देखो भाई ये सीट है, अच्छी नहीं लग रही भाई है ना, इसमें सीट डलेगी ये वाली, ये जो रखी है ये सीट लगेगी उसमें। बट इसमें ना थोड़ी ऑल्ट्रेशन कुछ होगी वो सब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट उससे पहले यार अपनी बैटरी को लगा लेते चार्जिंग पे है ना पहले भाई, और टेस्ट ड्राइव ले ली भाई इसकी, आज तगड़ी चल रही है, मजा आ गया बिल्कुल, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं। बैटरी को लगा देता हूँ चार्जिंग पे और फिर अपना चलते हैं आज मार्केट और सीट को भी आज फिट करवा लाते हैं और फिर करूंगा इसकी वॉशिंग, क्योंकि इसमें ना गंदी सी हो रही है अपना ऑयल वॉयल के ना हाथ मैंने लगाए थे, क्योंकि जब भाई काम करते हैं ना तो हाथ गंदे ही हो रहते हैं, तो वो हाथ लग रहे हैं इस पे निशान से लग रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सब साफ हो जाएंगे। बट उससे पहले चार्जिंग पे लगा के और सीट बनवा के फिर वॉश करेंगे है ना कंप्लीट करके बिल्कुल। तो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसको कैसे कैसे लगा रहा हूँ, पहले इनको ना लगा लेता हूँ मैं, फिर तुम्हें लगा के फिर तुम्हें एक बार आराम से समझा दूंगा। फाइनली अपनी जो बैटरी भाई वो इन्वर्टर में हमने लगा दी है, अभी हो जाएगी भाई चार्ज। और कनेक्शन भाई सिंपल है, कुछ भी नहीं है, प्लस का भाई प्लस में लगा देना है और माइनस का भाई माइनस में, और 10-20 मिनट के लिए भाई ऐसे ये छोड़ देनी है और 10-20 मिनट में बैटरी हो जाएगी फुल, उससे ज़्यादा नहीं छोड़नी, क्योंकि भाई ये होती है छोटी बैटरी तो ख़राब होने के ना थोड़े चांस होते हैं, 10-15 मिनट छोड़ दो उसके बाद बाइक अपने आप चार्ज कर लेगी फुल। तो भाई फिलहाल टाइम हो रहा 12:22 और अपने देखा सब्सक्राइबर आए भाई मिलने, और भाई बढ़िया नकली सब्सक्राइबर। तो गाइस अपनी जो भाई बैटरी है ना, तो मैं पता है मैंने काफ़ी टाइम पहले वो लगाई थी, जब तो मैं बोल रहा था 10-20 मिनट बस, बट मुझे लग रहा भाई ज़्यादा ही हो गया इसको, तो पर खोल लेते हैं ना अभी इसको, क्योंकि कभी ख़राब ही हो जाए है ना, नई बैटरी है यार, तो खोल लेता हूँ इसको और फिर मैं इसमें ना करंट चेक करके दिखाऊंगा तुम्हें कितना तगड़ा आ गया, ठीक है? तो भाई फाइनली अपनी बैटरी जो भाई चार्ज हो चुकी है, अब करंट देखना, देख रहे हो बहुत ज़्यादा करंट आ चुका है। और बाकी का जो फुल वैसे अभी ये हुई नहीं है, फुल मैंने करी भी नहीं भाई, क्योंकि ना बैटरी थोड़े ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इतनी बहुत है, बाकी की अपने बुलेट कर लेगी भाई चार्ज। उसका चार्जर भी क्योंकि मैंने हैवी लगवा रखा है ना, वो जल्दी चार्ज करता है, पहले बिल्कुल डाउन थी है ना थोड़ा, अब बैटरी है जो उठ गई है, अब बुलेट अपनी कर लेगी खुद चार्ज है ना। तो जल्दी से इसको फिट करते हैं और फिट करके फिर निकलते भाई मार्केट, और सीट बना के लानी है ना। तो ला भाई ये रही अपनी बुलेट, बैटरी तो यार अपनी बुलेट की होगी भाई फुल चार्ज, देखो डीकंप्रेसर अच्छा काम कर रहा है बढ़िया, बट नई प्रॉब्लम एक बुलेट में आ गई भाई, पता नहीं है क्या हो रहा, देखो मतलब ऐसा प्रेशर ही नहीं है जैसा होता है ना एकदम बढ़िया, वो चीज़ ही नहीं है यार, देख रहा स्टार्ट हो ही तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, देखो दिक्कत हो रही इसमें कुछ, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई इसमें भी, नई दिक्कत डेली नई दिक्कत होती है यार। है ना ऐसा प्रेशर ही नहीं है भाई इसमें, ऐसा रहता है ना एकदम पंप बढ़िया इंजन में, वो चीज़ नहीं है,
पता नहीं क्या नई दिक्कत आ गई इसमें, ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही भाई। ये जो दिक्कत है भाई है ना इसमें, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अब क्या करे यार, दिमाग खराब है भाई। फाइनली भाई बुलेट है जो स्टार्ट हो चुकी है बहुत कष्टों के बाद, और एक बार ना इसकी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, इसको चलाता हूँ थोड़ा, फिर देखते हैं थोड़ा ठीक होएगी है ना। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो है भाई कुछ ना कुछ, चलाते इसको और फिर देखते हैं ना। तो भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई ऐसी लोकेशन पे आ गया। वैसे ना मैं, मुझे पता था ये होएगा सीन, इसलिए मैं भाई घर के पीछे अपने जितने खेत हैं इनमें इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आया था, और भाई कांड हो गया। ये ले भाई, ये पलक है ना, जो पलक इसकी चूड़ी मर गई थी पहले, बट मैंने सोचा भाई बॉन्ड लगा के काम चल जाएगा है ना। अभी मैं मार्केट जाता वहीं पर इसकी ये कड़ा के लेके आता, बट कांड हो गया भाई। तो भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार, अभी आप बहुत बुरा भी लगेगा क्योंकि ये धक्का मार के ले जाना भाई, तो भाई अब ये धक्का मार के घर ले जानी पड़ेगी, और इसका कुछ जुगाड़ अब करना पड़ेगा भाई, घना गलत सीन हो गया यार। डी कंप्रेसर की चूड़ी कड़ा के लाए थे उस दिन, अब इसका कुछ करना पड़ेगा भाई। यार अपनी बुलेट में नज़र लग रही है भाई है ना, सही में भाई देख रहा डेली के डेली भाई कुछ ना कुछ इसमें नुकसान हो ही रहा है यार। अब देखो भाई ऐसी लोकेशन पे आके धक्का मारना पड़ेगा इसमें अब हमको, और एकदम मैं भगा रहा था भटाक दिशा आ जाए है ना रे। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैंने सोची मेट का बोल्ट को मार कोई टंकी में तो नहीं लग गया कहीं, चलो ये टंकी तो बच गई। मैंने सोचा टंकी में लगाना फाड़ देगा टंकी कोई, बट टंकी में कुछ हुआ नहीं। तो भाई मारते इसमें धक्का, चलते भाई घर, क्या करें मजबूरी अपनी। चल भाई एक चीज ठीक होती दूसरा नुकसान हो जाता अपना, तो चल कोई नहीं। फाइनली भाई अपनी जो बुलेट है वो खड़ी हो चुकी है भाई घर आके, धक्के मार के लाए भाई है। ले भाई कोर्ट बितार दे इसने तो। यार भाई यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो हेड की चूड़ी मर गई भाई प्लग साइड की, पहले डीकंप्रेसर की कढ़ाई थी, अब यार क्या करे। तो भाई पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार मार्केट चलते हैं, पहले इंतजाम करना पड़ेगा इसका, इसके बाद होगा भाई सीट का, क्योंकि ना सीट के लिए भाई यही जाएगी वेल्डिंग वाले के पास और फिर सीट का काम होएगा। तो जरूरी पहले ये इसको कराते हैं और फिर अपना सीट का देखेंगे है ना। दिमाग खराब हो गया भाई बिल्कुल, सच बता रहा हूँ माँ कसम। अब चल रहे भाई एक बार मार्केट और BS6 को लेके जा रहे भाई, ये तो अपनी चलेगी नहीं तुम्हें पता है, और प्लग को लेके जा रहे भाई साथ में, क्योंकि हो सके भाई इसके साइज के हिसाब से बुश बन जाए, क्योंकि खराद वाला बोलेगा भाई कि हेड ही लेकर आना पड़ेगा आपको, बट हम कोशिश करेंगे भाई अपना ऐसे ही काम चल जाए है ना, अंदाजे से ही अपना आ जाए, कोशिश करेंगे। बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना तो बहुत बुरी बात है, हेड खोलना पड़ेगा फिर दिमाग एकदम खराब। चलते भाई क्या करें मजबूरी है भाई, चले फिर है ले भाई पलक पकड़ो ले चलते भाई BS6 को, और पहुँचते हैं सीधा मार्केट, वहाँ पहुँच के और फिर तुम्हें बताऊंगा भाई अपना काम हुआ या नहीं हुआ। यार भाई सही में बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपना। तो भाई BS6 हो चुके स्टार्ट और हम निकल रहे भाई सीधा मार्केट, और करते देखते जुगाड़ होता है नहीं होता, मिलते अब सीधा मार्केट में ठीक है। अरे किधर जा रही है यार, आगे रहेगी क्या? अरे भाई निकलेगी फाइनली। चलो गाइस पहुंचते सीधा, मिलते वहीं पे है ना। 5 minutes later तो भाई घर पहुंच चुके हैं, और अपना जो जुगाड़ था ना वो तो भाई हुआ नहीं, अपना मरघाट के लिए मैं एक जुगाड़ लेके आया हूँ, ये फिलहाल ये भी नहीं लगेगा, बट एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ भाई इसको मैं कैसे लगाने की सोच रहा हूँ। तो ये भाई अपना मरघाट है ना जो, अब देखो यहाँ पे इसकी कोई सपोर्ट नहीं है अंदर है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही हिल रहा है, और सीट है जो अपना कमौनियों पे ही टिक रही है, बट जो वो सीट है ना अपनी जो इसमें लगेगी वो टिकेगी भाई मरघाट पे, तो मरघाट अपना इतना लोड झेल नहीं सकता, तो इसको ना ऐसे एक रुक के कुछ, तो इसको ऐसे करके ना कुछ अंदर ऐसे लगाएंगे है ना, अंदर लगा के और फिर इसका जुगाड़ बनाएंगे प्रॉपर, तो मैं समझ में भाई तभी आएगा जब इसमें लगेगी है ना। तो अभी भाई फिलहाल इसका हेड जो उसको खोल के ले जा रहे फरीदाबाद ठीक है, वहीं पे इसकी बात बनेगी है ना, जहाँ पे मैं गया था ना वहाँ पे भाई वो कह रहे भाई हेड तो देखो तब भी खोलना पड़ेगा या कुछ भी कर लो। तो अभी भाई हेड को खोल रहे जल्दी से और निकलते फिर सीधा अपना बाटा, 2 बज चुके करेक्ट ठीक है, बाटा पहुँच के और अपना भाई करा खिलाते, क्या करे मजबूरी है ना भाई। एक इसको ले गया था ना बैठा के, खोलना तो पड़ेगा ही, ये एक ऑप्शन लास्ट।
फाइनली भाई हेड है ना जो अपना वो खुल के और डब्बे में रख दिया भाई, और चलते अब जल्दी से भाई बाटा करा के लाते इसको भी आज, इसको भी मतलब समझ रहे हो, रोज रोज कुछ ना कुछ भाई खराब हो रहा है, उसको करवा के ले जा रहे हैं ना। और फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 2:34, ठीक है 2:30 बज चुका है अपना, 3:30 बजे तक ऑलमोस्ट हम आ जाएंगे शायद वापस, है ना, फिर कर देंगे इसको फिट, फिर देखते और कोई बड़ी बीमारी होएगी उसको कराएंगे, हम तो करवाने भी रहेंगे भाई, अच्छा कंटेंट मिल रहा हमें तो। तो चलते यार, और मैं नहाया भी नहीं हूँ भाई, देखेंगे आए कि नहीं, है ना। फाइनली भाई बाटा पे पहुंच चुके हैं, और अपना जो हेड है ना इसको उतार लेते हैं और कराते हैं इसकी जल्दी चूड़ी सेट, है ना। तो भाई खराद की दुकान पे पहुंच चुके हैं, और अपना हेड अपना हो रहा है भाई सेट, और ये अपना प्लग यहीं पे कसवा के ले चलेंगे, है ना। भाई हेड है ना जो अपना वो हो चुका भाई सेट, अब जा रहे हैं एक बार पाटा पे, वहाँ से ना थोड़ा बहुत सामान लेना है और लेके फिर से निकलते सीधा घर, है ना। अब परफेक्ट हो गया, बढ़िया सेट, और इससे हेड की एल्यूमिनियम से बढ़िया ना ये लोहे का ही बूसा सही है भाई, ये ज़्यादा हैवी होता है, ये इनके चूड़े मरने के चांस बहुत कम होते हैं, जो हेड होता है ना एल्यूमिनियम का होता है, तो इसकी चूड़ी जल्दी ख़राब होती है, और सही है। तो भाई बाटा से निकल चुके हैं, और अपना जो हेड है ना भाई वो बिल्कुल फिट हो गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाटा से भी थोड़ा कुछ सामान लिया है, वो सब दिखाऊंगा भाई घर चल के। तो घर चलते भाई जल्दी से, और करते हैं अपना हेड को फिट, और फिर देखेंगे अपना कोई और प्रॉब्लम पैदा होती है देखते हैं उसको भी। भाई घर पहुँच चुके हैं, और फिलहाल टाइम हो रहा भाई 4:25, अब सोचो तुम कितने घंटे ख़राब हो गए हमारे यहाँ, पर चलो भाई क्या करें, काम तो कराना है ही, है ना। ये रहा भाई अपना हेड, उतारते इसको और बाकी सामान इसमें, अब बैटरी मैं सोच रहे इसमें सामान है भाई बस, उसने बैटरी के डब्बे में रख के दिया सारा सामान, तो करते भाई इसको जल्दी फिट, 5 बजने से पहले ही फिट हो जाए। तो भाई बुलेट है ना जो अपनी वो हो चुके सेट, हेड भी बिल्कुल सेट हो चुका है, बट दिक्कत अब भी आ रही है एक, पता है क्या, वही जो मैं तुम्हें दोपहर को बता रहा था ना, ये प्रेशर वाइस में बन ही नहीं रहा ये, अब देख रहा अब ये तो हो रही है यार, कभी कभी पता क्या होता है इसका ना पंप सही नहीं बनता भाई इंजन में, हो गया हो गया। तो भाई अपनी जो बुलेट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो वो थोड़ी प्रेशर की दिक्कत मैं तुम्हें बता रहा था ना, वो भाई थोड़ा ठंडी थी ना बुलेट उसकी वजह से कर रही थी, अब एक नंबर चल रही है बढ़िया, और भाई स्पीड वगैरह भी यार काफ़ी अच्छी बना रही है, तो और अच्छी तरीके से कल चलाएंगे जब अपनी सीट करवा के लेके आएंगे ना दूसरी वाली, और अच्छे तरीके से कल चलाएंगे, अब चल रही है बढ़िया। तो भाई कुछ खा लेता हूँ, टाइम रहा है फिलहाल 7 बज चुके क्रैक्ट, कुछ खा पी लेता हूँ, और नहाया तो आज भी नहीं हूँ, 2 दिन हो गए भाई नहाया नहीं हूँ इसके चक्कर में, तो मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लेंगे ऐसे ही, है ना।
चल जाएगा काम। अब बिल्कुल सेट है, ऑल मतलब पूरी सेट, अब कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, बस सीट और हो जाए अपनी फिर सेट।